भी हमने यहाँ से टिकट ले लिया है। आओ भैया यहाँ जाओ। कहाँ से? लो जी ये वोटिंग स्थल है और हमारी वोट किधर है? कौन सी वोट है भैया? फाइनली हम किनारे से दूर जा रहे हैं, ये देखो किनारे किनारे जा रहे हैं, इस तरफ पहाड़ है और बीच में ये देखो देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना। देखो अब विंग से घुमा रहा है इधर को वोट के लिए। देखो एक नाव उस तरफ लोहा वोटिंग कर रहा है और हम इधर जा रहे हैं, एक वोट इधर है वो भी वोटिंग कर रहा है। उस तरफ दीदी हाय कर रही हैं, हाय दीपक, हाय पिंटू, हाय प्रमोद, हाय, हेलो दीदी, यो 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 यो, पिक बाय, पिक बाय, पिक बाय। और इस तरफ चलते हैं नीचे की तरफ, इधर वोटिंग स्थल है और इधर ही वीडियो गेम है, आराम इधर वीडियो गेम खेलेगा। तो नीचे उतरते हैं, अप स्टेयर, नीचे डाउन स्टेयर, आगे चलते हैं। तो बस पहुंचने वाला हूँ आगे। उधर पिंटू खड़ा है, लो जी आ गए इनके पास तक। चलो चलो चलो, किधर खेलोगे? अच्छा गेम खेलेगा आराम। लो जी आराम गेम खेल रहा है। ये वाला गेम खेल रहा ले जाओ सीधे। उठा लिया, इधर लाओ, शाबाश, इस पर डालना है। फाइनली यहाँ से निकल रहा हूँ, आर में ये गेम खेलिए सारे, ये वाला कार वाला गेम खेला और ये वाला गेम खेला। बस अब यहाँ से निकलते हैं बाहर के लिए और हम वोटिंग करने की सोच रहे हैं, वोटिंग करेंगे तो चलते हैं आगे की तरफ। आ गए हैं वोटिंग स्थल पर, ये देखो इधर आने की वोटी वोट है, इस तरफ है वो पेडल वाली वोट है, ये वोट है। हमने यहाँ से टिकट ले लिया है। आओ भैया यहाँ जाओ। कहाँ से? चलो बिंटू आओ। लो जी ये वोटिंग स्थल है और हमारी वोट किधर है? कौन सी वोट है भैया? चलो बैठो, ये सेटिंग कर रहे हैं वोट की, कैसे बैठेंगे यार, गिर ना जाए। तो वो वाली वोट है, वो जैकेट लेकर आ रहा है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? ठीक है कोई नहीं, आने दो। दीपक भाई वोट में बैठते हुए आराम से बैठे शाबाश मेरे शेरो। अच्छा पहुंचने दो, अब बस मेरी बारी ये पकड़ पड़े वोट, बैलेंस बनाओ भैया, बैलेंस बनाओ, लोग बैलेंस बनाओ। बस मेरी बारी, फाइनली हम किनारे से दूर जा रहे हैं, ये देखो वाह आराम कर रहे हैं हमारा। देखो किनारे किनारे जा रहे हैं और पीछे से दिखाता हूँ मैं, हाँ ये पीछे से है, देखो वोटिंग का मजा नैनीताल में, इस तरफ पहाड़ है और बीच में ये देखो देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना। देखो अब विंग से घुमा रहा है इधर को वोट के लिए। और सर दीपक भाई बैठे हुए हैं, बस एंजॉय करते हुए मजे लेते हुए वोटिंग का।
आज तो तेज हवा चलने लगी है, हमारा आराम कर गया। लो जी नैनीताल में वोटिंग का मजा लेते हुए सामने पिंटू भाई बैठे हैं। ओ यार वो गाना तो वो मतलब बेकार हो गया है ना, जो सुबह आप लोगों में मैंने बोला था, अब वो गाना नहीं हो सकता अब देखो वाओ ये सारे लोग वोटिंग करते हुए, हम भी वोटिंग कर रहे हैं, मजा आ रहा है। ओए होए दिल कर रहा है कि कपड़ा निकाल कर ना इसमें गोता मार लूं और इसे पकड़ लूं गुड ग्रेट गजब वेरी नाइस वाह वाह दीपा भाई वाह लो जी अच्छा लग रहा है एंजॉय। और रानी देखो रानी को दिखाना, रानी को इधर को करना रात बारिश कर रानी है। वीडियो कॉल पर है दीपक के साथ, इस तरफ देखो वाओ अच्छा लग रहा है यार, नदी के पहाड़ों के बीचों बीच ये देखो, इस तरफ पहाड़, इस तरफ पहाड़, पीछे पहाड़ और सामने पहाड़ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और बीच में नदी, और नदी में हम लोग वोट में हम लोग हैं एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बस अच्छा लग रहा है। हम तीन भाई ये जोड़ी मेरे दिल के टुकड़े हैं दोनों बस अच्छा लग रहा है। भैया इसके झील की गहराई कितनी है? गहराई तो बहुत था भैया, अच्छा बोट चल रही है आगे की तरफ। इधर देखो पहाड़ों का नजारा, पहाड़ों का मजा लो इस तरफ, और वहां से हम लोग आए हैं चलकर। आरव देख रहा होगा कहीं से हमें कि मामा जी की वोट वो जा रही है ये वोटिंग वाले भैया बोल रहे हैं कि सारा पानी इस झील का जो पानी है वो सारा मतलब नैनीताल में सप्लाई हो रहा है। तो कैसे सप्लाई हो रहा है मुझे नहीं पता, मतलब फिल्टर वगैरह हो रहा होगा, और ऊपर से जो पानी आ रहा है वो भी सब इसमें आ रहा है, और इधर से मतलब ऊपर रिसाइकिल होकर ऊपर जा रहा है पानी, जितने भी होटल हैं मकान हैं सब में यहीं से पानी जा रहा है तो देखो वैसे पानी सही है, अच्छा नीला नीला पानी है, अच्छा लग रहा है। सब लोग वाह उधर वो मस्ती कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। यो 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 पीक वाई पीक वाई पीक वाई मैं दिखाता हूँ ये पानी है, ओ माय गॉड बहुत ठंडा पानी है यार, ये तो बर्फ जैसा पानी हो रहा है देखो, गलदा एकदम एक तरह से काफी गलन हो रही है। उधर देखो वो मस्ती कर रहे हैं वो वोट वाले तो बस अच्छा लग रहा है हमें भी। दीपो भाई हैं और इस तरफ पिंटू भाई हैं और इस तरफ नैनीताल है, और ये नैनीताल की झील है, झील में नाव है और नाव में हम चार लोग हम दीवाने हैं, हम बेगाने हम परवाने यहाँ पर वोटिंग करते हुए एक मुझे अपनी एक्सरसाइज याद आ गई जो मैं अक्सर अपने एक्टिंग के स्टूडेंट को देता हूँ। एक्सरसाइज ये है कि मैं उन्हें बताता हूँ एक्टिंग के स्टूडेंट को कि मतलब आपके पापा वोटिंग कराते हैं लोगों को, और आप संडे का दिन है आज और छुट्टी है, और आपके पापा जी मतलब बाहर गए हुए हैं, तो आप वोट को लेकर समुद्र में उतरते हैं, और 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद समुद्र में 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद आपको एहसास होता है कि वोट में छेद है, क्योंकि आपके पापा जी जब बाहर गए हैं तो वो वोट को सही करने के पर्पज से ही गए हैं कोई सामान लेने के लिए, तो मतलब आपको पता नहीं है। तो आप समुद्र में आपके वोट में जब पानी भरना शुरू हो जाता है तो आप कैसे अपने आप को बचाओगे, कैसे सर्वाइव करोगे, तो वो एक्सरसाइज है। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो मतलब इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से कर देते हैं, माइंड ब्लोइंग तरीके से कर देते हैं, और बहुत से स्टूडेंट मतलब फेल हो जाते हैं इस एक्सरसाइज में। तो ये इमेजिनेशन के ऊपर है या कौन क्या करता है, कोई अपनी शर्ट निकाल कर मतलब उसे छेद में निकाल देता है, हाथ से पानी मतलब बाहर फेंक देता है, कोई नाव कोई पलट देता है फिर उसके ऊपर लेट जाता है, कोई मतलब हाथों से मतलब कोई डूब जाता है, मतलब हेल्प मांगता है, चीखता रहता है बचाओ बचाओ बचाओ, और मतलब सुसाइड कर लेता है, ऐसी एक्सरसाइज मतलब फिनिश कर लेता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और नाव में जैसी एंट्री करते हैं
स्टूडेंट, तो कुछ स्टूडेंट ने मतलब किया कि मतलब उन्हें टॉयलेट लग रही है तो समुद्र में ही कोई नहीं है, तो बस वो शुरू हो जाते हैं। और बहुत से स्टूडेंट मतलब गाना गाते हैं, और जब किसी को धूप लगती है तो अपने पैंट निकाल कर ही सर से बांध लेते हैं, ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एक्सरसाइज मतलब। अच्छा भैया बता रहे हैं आप पेडल वाली बोट से मतलब वो सही नहीं है, उसमें तो पैर थक जाते हैं क्योंकि ठहरा हुआ पानी है, तो ठहरे हुए जो पानी में बोटिंग करते हैं और थक जाते हैं लोग पैर। देखो एक बोट वो आ रही है और उधर आ रहा है, और देखो वाह कितना मतलब अच्छा नज़ारा है, ये कितनी प्यारी सीनरी है। इधर हमारी बोट वापस हो गई है अपने मतलब उस घाट की तरफ को जा रहे हैं जहाँ पर मतलब इनका स्टैंड है, बोट स्टैंड। बस बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा आकर यहाँ पर। ये एक ही झील है, इधर को मल्ली ताल है और उस तरफ पीछे को तल्ली ताल है, एक ही झील है, एक ही झील के दो नाम है, ये मल्ली ताल उधर तल्ली ताल। तो ठीक है मल्ली ताल आकर बहुत बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर बोटिंग करके, बस मज़े आ रहे हैं। और इस तरफ देखो ये बोट मतलब ये नज़ारा देखो झील से ऊपर नैनीताल का, इस तरफ देखो वाह ये नैना देवी मंदिर है उधर, ये है देखो एक नाव उस तरफ लोहा बोटिंग कर रहे हैं और हम इधर जा रहे हैं, एक बोट इधर है वो भी बोटिंग कर रहे हैं, और हम भाई भाई ये देखो ऊपर का नजारा, तो ठीक है अब पहुंचते हैं और वहां पर किनारे पर, किनारे पहुंचकर आरव को देखते हैं किधर है। आरव, आरव देख रहा होगा वहां से अपने मम्मा से बोल रहा होगा, पापा से बोल रहा होगा कि देखो, और अपनी दीदी से बोल रहा होगा कि देखो मामा जी वो हैं, मामा जी की बोट वो है उस तरफ होगा कहीं देखो ये ड्रम ऐसे तैर रहा है यहाँ पर। बस हम लोग अपने घाट पर पहुँचने वाले हैं, और ये नाले आ रहे हैं ऊपर से, ये झरने का पानी आ रहा है देखो, वो इस झील में ही आ रहा है सारा पानी। बस हम नजदीक आ रहे हैं अपने घाट के, तो उस तरफ दीदी हाय कर रही हैं, हाय दीपक, हाय पिंटू, हाय प्रमोद, हाय हेलो दीदी यो, पिक भाई। हमारा सफर पूरा हुआ बोट का और हम निकल रहे हैं अब आगे की तरफ। ये देखो दीपो भाई तैयार हैं हाथ पकड़ने के लिए, लो भाई दीपो भाई बस आ गए, थैंक यू भैया। बस हम चल रहे हैं और उस तरफ हमारी दीदी हमारा इंतजार कर रही है, ये देखो ये हवा चला रही है, हाय दीदी अभी आ रहा है, आरब कहाँ पर है, चलो आओ चलते हैं दीदी के पास अच्छा लगा वोटिंग करके, ये देखो मैं बहुत तो ये सुन रहा था कि साइन आ रही है हल्द्वानी, ये देखो आरब कहाँ पर है, देखो ये दीदी हमारी, हाँ मजा आया, खूब मजा आया हाँ इसने जल पानी में हाथ दिया था। तो बस अब हम निकल रहे हैं, हमारी गाड़ी आने आ गई होगी शायद, है ना 2 बज गए, गाड़ी आ गई, चलो चलते हैं। तो ठीक है अब हम निकलते हैं आगे की तरफ, देखो इस तरफ ये बोर हो गया लगा इंतजार करते करते आओ या आओ, आओ